देखिए, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, प्रदेश में दो चरणों में भारत जोड़ो यात्रा होगी। हरियाणा में यात्रा का जोरदार स्वागत होगा। पानीपत में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा है। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से जनता त्रस्त है। इसी के साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में नंबर वन है। तो खास बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें साझा की हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है। 21 तारीख से हरियाणा में राहुल गांधी प्रवेश करेंगे और उसी के लिए आज एक जो है मीटिंग बुलाई गई है। दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद वो इस वक्त हमारे साथ है। हुड्डा साहब, आज एक बैठक बुलाई गई है, किस तरीके से बैठक है, क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी? देखिए, इस बैठक में ये आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारी की हमारी बैठक है। और दूसरा इस बैठक का उद्देश्य, क्योंकि हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी हरियाणा प्रभार मिला, उनका हम स्वागत भी करेंगे और उनकी प्रारंभिक बैठक का भी ये का रूप है, हिस्सा है। तो हमें उम्मीद है कि जो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आएगी, पूरे देश में उस यात्रा को बहुत रिस्पांस मिल रहा है, हरियाणा में भी अभूतपूर्व स्वागत उस यात्रा का होगा। थैंक यू। तो हुड्डा साहब, किस प्रकार से स्वागत करेंगे, क्या कुछ नया इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा कांग्रेस की तरफ से रहने वाला है? हरियाणा में लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हैं इस सरकार से। खट्टर सरकार में आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक, महंगाई एक, हर गरीब परिवार का बजट बिगाड़ने में नंबर एक, विकास ठप, अर्थव्यवस्था चौपट हरियाणा की, कोई बड़ी योजना परियोजना कोई सरकार ने लगाई नहीं 8-9 साल के इनके कार्यकाल में। हरियाणा का हर व्यक्ति बदलाव चाहता है और जब ये यात्रा हरियाणा में आएगी राहुल जी, तो अभूतपूर्व स्वागत। हमारी यात्रा दो चरण में रहेगी। पहले चरण में 21, 22, 23 दिसंबर को मेवात, फिर गुड़गांव, फिर फरीदाबाद, इन तीन जिलों को टच करेगी। उसके बाद राहुल जी राजघाट जाएंगे, यूपी से घूमते हुए दूसरे चरण में पहले जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में जब हरियाणा प्रवेश करेंगे, तो उस चरण में पानीपत में पूरे प्रदेश की, ऑल हरियाणा प्रदेश की एक रैली हम अभी घोषित करेंगे। अभी वो मीटिंग के अंदर करेंगे, उससे पहले हम किसी को बता नहीं रहे, आप भी किसी को मत बताना तब तक ये खबर अपने तक रखना। तो रैली की हम वहाँ पे पानीपत में रैली, बहुत बड़ी रैली रहेगी और फिर जीटी रोड से होते हुए यात्रा पंजाब जाएगी। हरियाणा में अभूतपूर्व स्वागत होगा, तैयारियां चल रही हैं। राव दान सिंह जी हमारे भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में तैयारी चल रही है। हमारे जहां पे जिस पॉइंट पे एंट्री हो रही है, वहां पे हमारे बहुत ही मजबूत विधायक मामन खान इंजीनियर जी, हमारे फिरोजपुर जिरका, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो शायद आगे शायद तो एक सवाल और रहेगा, पर प्रभारी बदले गए हैं, शक्ति सिंह गोयल को प्रभारी बनाया गया, क्या बदलाव देखते हैं, क्या चैलेंजेस उनके लिए रहने वाले हैं? शक्ति सिंह गोयल जी के प्रभारी बनने से हरियाणा में कांग्रेस और शक्तिशाली होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।